भीड़ में उतना दूर सफर करना 1300-1400 किलोमीटर की दूरी में, ये तो भाई महादेव। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। गाइस मैं हूं आज बिलासपुर में और आज हमारी जर्नी होने वाली है गाइस ट्रेन से, उत्कल एक्सप्रेस से बिलासपुर से हरिद्वार की तरफ, जो कि 2:40 है ना। तो दोस्तों आज जो सिटी में है ना, ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, ये क्लीन सिटी की बात करें तो ये तीसरा स्थान है ना। फिलहाल तो गाइस देख सकते हैं यहाँ के जो इंटीरियर कितना खूबसूरत है। जिस रूट से आज जा रहा हूँ ना, ये मेरा पहला रूट है, इस रूट में मैंने कभी सफर नहीं किया। अभी वो ट्रेन नहीं आई है और 2:40 को मिलेगी है ना, तो फटाफट से चलेंगे टिकट उठ कर है ना। तो चलिए आज की कमाल की ब्लॉग को शुरू करते हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन से हरिद्वार की तरफ। सबसे पहले अपन जाएंगे, टिकट कटाएंगे। सो गाइस मैं जो टिकट कटा रहा हूँ ना, वो रिजर्वेशन नहीं है, वो जनरल का होगा। और यहाँ से दूरी की बात करें तो दोस्तों 1383 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। और जहाँ से मैं, क्योंकि मैं रायपुर से आया हूँ, तो ये कह लो 1400 के आसपास मेरा जो डिस्टेंस है लगने वाले हैं। तो चलिए टिकट कटाते हैं, जनरल का कितना लगता है मैं अपडेट करता हूँ। दोस्तों नेट में जो है ना, वो कितना दिखा रहा है, 90 रुपीज़ कुछ दिखा रहा है, लेकिन आप लोग जब आएँगे ना तो आप लोग को पड़ेगा 55 के आसपास लगेगा है ना। जर्नी का 2 से 3 दिन का होने वाला है और बहुत लंबा सफ़र होने वाला है, क्योंकि रात दिन डे सफ़र करेंगे तो उसके बीच में पता नहीं क्या क्या कवर कर पाएंगे। एनीवे अभी बहुत ज़्यादा धूप चढ़ा जा रहा है, तो चलिए चलते हैं और आपको टिकट विकट कटाने के बाद मिलते हैं। तो टिकट काउंटर जो है दोस्तों, इधर से जाओगे ना तो इधर आउटसाइड निकलने वाली मैं है, और अभी लगे गाइस शिवनाथ हावड़ा आज़ाद हिंद छत्तीसगढ़ इसी के की तरफ जाने वाली एक ही ट्रेन है, तो उत्कल ही एक्सप्रेस ही मिलेगा। जनरल का किधर मिलता है पता नहीं। अरे 2 बजे मेरे भैया कहाँ जाओगे? इसी देश के लिए उत्कल 3 बजे आएगी। 3 बजे आएगी? 5 नंबर में आएगी भाई, उत्कल एक्सप्रेस 3 बजे। पुर से हरिद्वार का कटाया हूँ, फेयर लगी है 350 रुपये। इन्होंने सबसे पहले ना निजामुद्दीन का कटा दी थी, फिर मैं वहाँ एक चेक करा के बोला भैया यहाँ निजामुद्दीन क्यों लिखा है, फिर बोले भैया तुम ना हरिद्वार का कटा लो, फिर से जाके फिर कटाया। तो भाई इतना भीड़ था ना, क्या बताऊँ, कौन कोई और बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है, किसको कोई और टिकट काट रहे। अच्छा हुआ भाई देख लिया, नहीं तो लोचा हो जाता है ना। अरे वाह, नीट एंड क्लीन। लिफ्ट किधर जाता है? पार लगेगा होगा प्लेटफार्म नंबर, वैसे तो बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है गाइस। अभी मेरे पास लगभग 1 घंटे बचे हुए हैं, 1 घंटे नहीं कहना चाहिए, 30-40 मिनट, उसके आगे मैं पूरा प्रिपेयर हो जाता हूँ, जो भी बिस्किट उस्कुट ले लिए रहोगा है ना, बाद में कहाँ ढूंढते रहोगे भैया, जनरल में एक ही जगह बैठे रहना पड़ेगा। फिर चलते चलते दिखाएंगे कैसा रहेगा है ना। न्यू दिल्ली बिलासपुर लगा हुआ देख सकते हो, न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, और हमारी आएगी गाइस नंबर 5 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा आगे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे है हम लोग। अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट हो रही है यहाँ पे, बिलासपुर गेव रोड चलने वाली ट्रेन, इतना भीड़ है तो सोचो भाई हरिद्वार जाने वाली ट्रेन कितना भीड़ होगी है ना। जनरल डब्बे में तो भाई बहुत भरे हैं, रिजर्वेशन भी बहुत भरे थे, एसी कोच है तो खाली है ना। देखते अपना हरिद्वार वाला ट्रेन कितना भीड़ रहता है, ये देखिए। उत्कल एक्सप्रेस जो आने वाला था ना 2:40 को, वो गाइस आज फिर से लेट है। अनाउंसमेंट हो रहा है कि गाइस सोना 16:00 कितना तो मिनट पे आएगा, मतलब 1 से 1.5 घंटा लेट है ना। मेरे ख्याल से यार बिलासपुर से ही हरिद्वार ऋषिकेश होती हुई जो ट्रेन जाती है ना, हमेशा लेट होती है लगता है, आज भी लेट है, पता नहीं 4 बजे कि 5 बजे।
लेकिन डेढ़ घंटा लेट बता रहा है। उसके बाद और अपडेट होगा, पता नहीं कितना लेट हो सकता है ना, डेढ़ घंटा कुछ बता रहा है। 2:40 को आने का था, 3 बजे 3 या 4 बजे देखते हैं, हालांकि अनाउंसमेंट है डेढ़ घंटा लेट हो गया उत्कल एक्सप्रेस। तो जितने लोग भी गए हैं उनको भी बहुत ज़्यादा लेट कराइए, किसी का 6 बजे ले गया, किसी को उससे आगे। तो भैया आज भी हम पूरे लेट हो गए हैं, हरिद्वार पहुँचते पहुँचते ना अपन 10-11-12 बजने वाला है पक्का, कंफर्म जारी कर सकते हैं और क्या करेंगे। गाइस 1 घंटा 5 मिनट के देरी से चल रही है उत्कल एक्सप्रेस। ओ गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आने वाली थी, वो आ रही है अभी 4 पे आएगी। मैं यार जितना भी ये उत्कल एक्सप्रेस के बारे में देख रहा हूँ, हमेशा लगता है लेट से ही चलता है, मतलब मूड ऑफ कर दिया भाई इस ट्रेन ने सच में। उत्कल एक्सप्रेस योगनगरी, पुरी से लेके योगनगरी ऋषिकेश चलने वाली ट्रेन अभी 4:10 के आसपास कुछ आने वाली है, और ये ट्रेन अपने निर्धारित समय 2:40 पे चलती है। मैं जनरल डब्बा में बैठने वाला हूँ, अब मुझे भी नहीं पता कि भाई कितना भीड़ होने वाला है। तो फाइनली गाइस आ गई है योगनगरी पुरी से चलने वाली ट्रेन। तो ये है भैया 2nd क्लास योगनगरी, इतना भीड़ में जाना पड़ेगा जनरल, चलो 2nd क्लास। तो भैया देखो इतना लेट आई है और भीड़ देखिए है ना, इधर भी चढ़ लेते हैं, फिर मिलते हैं भाई आपसे है ना। भाई बाबा केदारनाथ का दर्शन करने से पहले ना इस तरीके के भीड़ में है भाई, यहाँ से इस तरीके से भीड़ में उतना दूर सफ़र करना 1300-1400 किलोमीटर की दूरी में, ये तो भाई महादेव ही जाने कैसे पहुँचेंगे कैसे नहीं, ये तो अभी कहाँ नहीं जा सकता इस तरीके का भीड़ देख के। लेकिन उम्मीद तो है भाई अगर महादेव बुलाएं तो सही सलामत पहुंच जाए, लेकिन खड़े खड़े जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है ना। 1383 किलोमीटर है यहाँ से, वैसे भीड़ देख के ही लग रहा होगा ना, अगर आप लोग जा रहे हो लंबा सफ़र तो आपको रिजर्वेशन कराना चाहिए, ठीक है। भीड़ तो भाई अभी भी बहुत ज़्यादा है, और मैं लगभग लगभग ना 2-3 घंटे से खड़ा हूँ भाई। तो भाई 6:53 हो चुकी है, मैंने कल कुछ रिकॉर्ड नहीं किया यार, बहुत ज़्यादा भीड़ थी ना, हाथ भर सोया भी नहीं हूँ ढंग से, नींद भी आ रहा है। तो मैं बैठ के दिखाऊंगा आपको ट्रेन जर्नी थोड़ा सा, लेकिन भाई अभी तक का जितना जी जर्नी था ना जी एक कठिन भरा जर्नी था है ना, मतलब बहुत ज़्यादा खचाखच भीड़ था भाई। इसी तरीके से हम जो है बैठ के नहीं खड़े खड़े मैंने 5-6 घंटे खड़े खड़े ट्रेवल किए है। ये है नेक्स्ट डे 10:57 पे जो है ग्वालियर पहुंची है, ये मुझे लगता है हरिद्वार पहुंचाते पहुंचाते ना 9 से 10 बजा देगा है ना। बारह बजे आगरा स्टेशन पे पहुंची है ट्रेन, यमुना नदी है ये, काफ़ी बड़ी नदी है और इसी के ऊपर से रेल ट्रैक गुजर रही है। 6 बजे पहुंच रही है गाजियाबाद स्टेशन। मुजफ्फरनगर से होते हुए गुजर रही है, 19:40 हो चुकी है। तो इसी तरीके से जनरल कोटा हम लोग बैठ के आ रहे हैं भाई, बहुत लंबे सफर, 7:40 हो चुकी है और अभी और
दूर है हमारे तो। 5 minutes later अंतराल के बाद हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, लेकिन इतना सन्नाटा क्यों है भैया? हरिद्वार जंक्शन पहुंच गए हैं और यहाँ आते आते जो ट्रेन होती है ना वो पूरा खाली हो जाती है। तो भैया फाइनली पहुंच चुके हैं भैया हरिद्वार रेलवे स्टेशन। फाइनली लंबे अंतराल के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार। तो यहां तक पहुंचने के लिए ना मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा बिलासपुर से, जो लंबे लंबे मतलब खड़े होके आया रे भाई बहुत दूर से, है ना, 8-9 घंटे खड़े हुआ तब जाके भाई मुझे सीट मिला। ये बिलासपुर से 4:25 पे निकली थी और यहाँ पे 10:00 पे पहुँचाई है, यानी कि 2 रात 2 दिन के बाद यहाँ पे पहुँचा हूँ मैं। गाइस यहाँ पे रुकने होगा तो मैं रुकूँगा फिलहाल। तो अभी देख सकते हो ये हरिद्वार का बोर्ड लगा हुआ है यहीं से भाई। अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा में आ रहे हैं ना तो सबसे पहले यहीं पे ही पहुँचना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही अलग अलग जगह जाना पड़ेगा आपको। तो ये रहा हरिद्वार, तो चलिए चलते हैं। 20 रुपये का समोसा और एक चाय से गुजार रहा हूँ भाई यहाँ पहुँचने के लिए, है ना, कि बजट ट्रेवलर हूँ भाई मैं ना, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। जिस बजट में मैं आया हूँ ना उस बजट में यहाँ पहुँचना भी बड़ा मुश्किल था इसी वजह से। जो हम जो आए ना दोस्तों ये वाला ट्रेन था, देख रहे हैं इस ट्रेन से हम लोग आए हैं और यह ट्रेन अभी जा रहा है दोस्तों ऋषिकेश की तरफ। मुझे यहाँ पे पहुँचाई है दोस्तों 10:00। इसका जो एक्चुअल टाइम है ना दोस्तों 7 से 8 बजे के बीच में यहाँ पहुँचना चाहिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट थी। मुझे लगता है ट्रेन हमेशा बिलासपुर से लेट ही आती होगी तब जाके यहाँ पे लेट पहुँचा। 1847 यही ट्रेन है जो कि ना आपको हरिद्वार तक पहुँचाएगी। इसका आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, नहीं हो तो चैनल को बेशक सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।